जिंदगी के रंग में एक बार फिर खुशामदीद। बात करते हैं हम अपने मेहमानों से, तो सबसे फेवरेट सिंगर कौन से? मेरे सबसे फेवरेट जो सिंगर हैं वो मेहंदी हसन साहब थे, जिनका मैंने शुरू में बचपन में मैं उनके गाने गाता था। तो उसके बाद फिर, लेकिन गाना ये है कि गाना कोई भी अच्छा गाता हो वो अच्छा लगता है। लता जी, रफ़ी साहब, आशा जी, मेहंदी हसन साहब, खुद इम्प्रेस ज़्यादा मेहंदी हसन साहब और रफ़ी साहब। तो आज हमें फिर उनका कुछ सुना दें मेहंदी हसन साहब। हाँ, कुछ सुनाएं। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, जहर में लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर के दिल में लगावट जरूर थी वरना, कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना, वो मेरा वो मेरा वो मेरा वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश ऐसा होश में था तो फिर बेहोशी में कैसे। देखो, आपके प्रोग्राम का नाम है जिंदगी के 7 रंग, ठीक है, इन्होंने कर दिए हैं जिंदगी के 8 रंग। वो कहते हैं ना कि इंसान के आसपास जितने भी रंग होते हैं, सबसे नुमाया रंग वो होता है जो उसके मन के अंदर होता है, और वही मन का सच्चा रंग होता है, और उसी लगाव में इंसान फिर जो भी काम करता है ना, उसमें कामयाबी मिलना चाहिए। बेशक बेशक। तो आपने ये मौसीकी सीखी? मैंने, क्योंकि जिस अंदाज से, पक्के अंदाज से आप गा रहे थे ना, तो साफ पता चलता है कि ये शौकिया नहीं हो सकता, ये आम बंदा ही ऐसे गाने गा भी नहीं सकता। ये सीधी सी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने सीखा किसी से नहीं था, मेरे जो बड़े भाई थे तो वो जब गाते थे गाना तो मैं उनको सुनता था, फिर उनके साथ गाता था। तो प्रॉपर मैंने किसी से क्लास नहीं ली, तो आज तक जैसे भी स्टेज भी गाया और बाहर भी गाया तो वो अल्लाह की रहमत से और उस भाई की मेहनत। इरम, मौसीकी पुरानी पसंद है या जो अब जितने भी सिंगर? अब तो मौसीकी हो ही नहीं रही, कहाँ है मौसीकी। अच्छे जो गाने हैं ना सुनने के लिए, अब बस ये हलाला हलाला है, लेकिन सुनने वाले जो गाने ना वो अब नहीं, इसलिए मुझे ओल्ड सॉन्ग्स बहुत पसंद। लेकिन जवेरिया, तुम किस किस्म के गाने पसंद करती हो? क्योंकि वो कहते हैं ना, वो जो यंग जनरेशन है ना, वो इसी तरह की हल्ला गुल्ला वाले गाने पसंद करती हैं ज्यादा। असल में मूड पे डिपेंड करता है, ज़्यादातर तो टाइम नहीं होता, पर ये कि ऑलवेज आई मेक टाइम फॉर माई सेल्फ। तो मुझे तो मोहम्मद रफ़ी जो है उनके सॉन्ग बहुत जबरदस्त। ये रफ़ी साहब देखे ना कि जब रफ़ी साहब फौत हुए थे ये पैदा भी नहीं हुई होगी, लेकिन क्या बात है, ये इल्म और ये काम है, ये फन है कि आने वाली नस्ल भी आपको पसंद करे। अच्छा काम किसी ने किया होगा ना तो वो हर किसी को याद रहता है। ताज साहब कहते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत जरूर होती है,
ठीक है ना। तो आपकी कामयाबी का राज? सबसे पहले मेरी माँ की दुआ, मेरी माँ, उसके बाद मेरी वाइफ। मेरी वाइफ मुझे इतना सपोर्ट करती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यही यकीन का और एतबार का रिश्ता होता है जो आपको सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान नहीं, आपके दोस्तों के दरमियान भी, आपके जितने भी रिश्तेदार, आपके जितने भी करीबी हैं, अगर उनके दरमियान, उन सब के दरमियान अगर एक प्यार का और यकीन का, एतबार का रिश्ता है ना, तो इससे बढ़ के मजबूत रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। हर बीवी ये चाहती है कि मैं मलका बनूं घर की, होता है ना। हाँ जी। तो मलका तब ही बनेगी जब वो अपने खामद को बादशाह बनाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर खामद को गुलाम बना के रखेगी तो वो कभी मलका बनेगी। लेकिन बहुत से हम में से लोगों का ये ख्याल है कि जो लड़ाई होती है ना वो प्यार को बढ़ाती है, और जहाँ पे बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है वहाँ पे थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती है। ये जिंदगी की एक खूबसूरती है। लेकिन वैसे मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर इतनी ज्यादा खूबसूरती है कि हम लड़ना शुरू हो जाए तो गुस्सा उसकी मेन वजह होती है ना, कि आपको दूसरे के ऊपर गुस्सा करता है। गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा हमेशा ऐसी बात पे आएगा जो आपके जेन को सूट नहीं करती, उसने कर दिया। मिसाल के तौर पर आप जैसे एक चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना कि ये बंदा ही कर सकता है, और अगर उसने वो कर दिया तो डेफिनेटली। देखिए, आप खामिद घर पे आया है, वो बाहर से काम करके थक के आया है, अगर बीवी कहे कि इतनी लेट क्यों है, कहाँ थे आप, तो वजह होगी आप कहाँ बैठे हुए थे, किसके पास। अब वो इतना उससे चालू हो जाएगा कि वो बाहर रहने लग जाएगा। वो खामिद को जहाँ सुकून मिलेगा खामिद वहीं जाएगा, भले बीवी के पास भले बाहर। तो इसलिए हमारी माएँ बहनें जो जितनी भी हैं, बहनें बच्चियाँ हमारी, उनको ये सोचना चाहिए जिंदगी में आगे जिनकी शादी नहीं भी हुई तो वो ये ज़रूर सोचें कि अगर खामिद को खुश और अपने घर वालों को खुश रखेंगी तो तभी जिंदगी आसान है, नहीं तो नहीं। बिल्कुल, जहाँ पे जिंदगी की आसानियों का ताल्लुक है, तो जिस तरह आज 1 मई है और योम मजदूर है, लेबर डे, तो उस पे हम उन तमाम लोगों के बारे में भी बात करेंगे कि जो दूसरों की छत बनाते हैं लेकिन खुद छत से महरूम हैं, जो दूसरों के लिए गाड़ी चलाते हैं लेकिन खुद पैदल सफर करने पे मजबूर हैं। आप ये समझते हैं कि एक मजदूर डे का सिर्फ एक दिन मजदूर के लिए मना लेना काफी है, कि साल के बाकी भी तो 364 दिन हैं, उसमें हम मजदूर के लिए क्या करते हैं? हम अपनी जिंदगी में से एक आपके घर में जो काम करती है, आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, आप उनकी अच्छाई, उनकी भलाई के लिए, उनके हकूक के लिए क्या करते हैं? वैसे ये बात आपकी बहुत बड़ी है, सॉरी, मैं ये इस बात से ये एग्री करूंगा कि आप मजदूरों का आलमी डे जब आता है उस पर हम डिस्कस भी कर लेते हैं। जब हम गुजर रहे होते हैं तो मजदूर भूखा बैठा होता है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमें ये चाहिए कि हम अगर किसी से काम करवा रहे हैं, अगर मेरा ड्राइवर है तो मैं ड्राइवर को तनख्वाह 2,000-5,000 अगर ज्यादा दे दूंगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हाँ। भैया, कभी ऐसा मौका आया कि ऐसे लोग आपके पास, ऐसे पेशेंट आपके पास आए हों जो पे ना कर सकते हैं, आपने उनका इलाज किस तरह? बिल्कुल, कई दफ़ा लोग आते हैं और कई दफ़ा कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते आपकी कंसल्टेंसीज, पर मेरा एक ही चीज़ का मानना है कि पाकिस्तान जो है ना वो रिच है फूड्स एंड वेजिटेबल्स में। हमारे पास हर किस्म के फूड्स एंड वेजिटेबल्स हैं, और उसे हर तबके का, जो मतलब लो मॉडरेट से लेके मिडिल क्लास, हाई क्लास और एलीट क्लास, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है और मेडिकल बेनिफिट्स उससे ले सकता है। तो मैं हमेशा ये लोगों को कहती हूँ कि स्टॉप कंप्लेनिंग ना, मतलब आप हर चीज़ को कंप्लेन मत करें अपनी लाइफ से, चीज़ों से। इवन कि मेरे पास आते हैं तो फिर मैं उनको जो है मतलब कम बजट में भी उनको चीज़ें बता देती हूँ कि ठीक है आप ये कर लें एंड यू कैन गो थ्रू विद द गुड हेल्थ। तो वो ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए होते हैं, मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपके पास चाहे जितनी भी नेमतें हैं पर जो सेहत है वो सबसे बड़ी नेमत है, हेल्थ इज वेल्थ। तो जिसके पास सेहत है उसके पास सब कुछ है, अगर सेहत है तो हम काम कर रहे हैं और सारा कुछ है। पर चीज़ें तब बेहतर होती हैं और माशरे तब बनते हैं जब आप अपनी सेहत को ठीक रखते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रखते हैं। जी नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम आपने देखा, अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी बात कि जब आपको गुस्सा आए तो थोड़ा सा रुक जाए, और जब आपको गलती अपनी महसूस हो तो थोड़ा सा झुक जाए, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ मज़े मज़े के रंगों के साथ, बातों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। There's players in the frame, up in the game. They can steal my dreams, where my ground. Think of things that change, but it's still the same.
जद सोनी कर दी SMS दिल करता है ओनू कॉल करा तेरे नंबर देख के यस करते दो गल्ला तेरे नाल करा जद सोनी कर दी SMS दिल करता है ओनू कॉल करा तेरे नंबर देख के यस करते दो गल्ला तेरे नाल करा You can hunt me down. There's players in the frame, up in the game. Think it's still my dreams, wear my crown. Thinking things have changed, but it's still the same. The number you dialed is not responding. No response, jawab aave te log siyane kehnde ne. इस फोन दी खातिर सजना देके ऐप लुकाने पेंदे ने इस फोन दी खातिर सजना देके ऐप लुकाने पेंदे ने मेरे ढोलन माही तू दस दे मिस कॉल करा या कॉल करा